लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, आज किसके लिए शूट हो रहा है पहले तो जानना चाहेंगे। इतना हम लोग वैलेंटाइंस डे इशू कर रहे हैं फॉर दी वेडिंग मंत्रा मैगजीन, जिसका फाउंडर है गरिमा सिन्हा मैम। इन्होंने ही हमको इतना खूबसूरत बनाया है। पहली बार ड्रेस मेकअप एवरीथिंग। हाँ, तो ड्रेस तो आज मैं एकदम दुल्हन बन चुकी हूँ, मुझे फिर से शादी करने का मन हो रहा है। और बहुत ही अच्छा ड्रेस है एंड मेकअप एंड हेयर के साथ मैं गोलेचा ज्वेलरी से ज्वेलरीज भी पहनी हुई हूँ, राइट? यस, तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। ओके, शादी के कुछ दिनों की यादें आ रही हैं आज, पूरा एकदम आप दोनों दूल्हा दुल्हन ही लग रहे हैं, तो शादी की क्या कुछ यादें आज ताज़ा हो रही हैं? मुझे तो लगता है कि मैं ऑनेस्टी के साथ बोलूं, तुमने गाड़ी में कुछ बोला था ना कि फिर से शादी करते हैं। तो मुझे लगता है कि गरिमा ने सुन लिया है। और हाँ बिल्कुल, शादी की यादें तो होती है। मुझे क्या, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड को होता होगा, हमारी शादी वर्ल्ड वाइड फेमस है एंड वी आर वेरी लकी फॉर दैट। और उधर भी इतना मैं अंदर थी तो मैं मुझे प्रॉपर यू नो ड्रेस व्रेस का इतना सिलेक्शन का मौका नहीं मिला था, बट अभी ऐसा मिल रहा है। इन्होंने मुझे इतने अच्छे से सजाया, इनको भी सजाया, तो अच्छा लग रहा है। ओके, गरिमा मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आप कुछ सोच के आपने इतना प्यारा अटायर जो है, हमने मेरे दिमाग में तो पहले ही से था जब मैंने मोनालिसा को मतलब आई वाज लाइक फर्स्ट, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था कि नहीं मैं मोनालिसा को लाएंगे। एंड सेकेंडली विक्रांत को तो मैंने देखा और जब मेरे दिमाग में यही था यार मेरे जगह का बिहार का यूपी का, इट वाज आल्सो द रीजन वाई आई नीड फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मेरे को ये था कि नहीं मुझे लाना है। एंड सेकेंडली ऑब्वियसली बिग बॉस में इनका प्रॉपर हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कि वैलेंटाइन इशू सबसे अच्छा होगा इनके लिए और हम इनको बिल्कुल ऐसा लुक देंगे जो बिल्कुल लगे कि लव इन द एयर टाइप ब्यूटीफुल कपल। एंड दिस इज व्हाट वी ट्राइड अवर इंटायर टीम, आई इफ यू टॉक अबाउट अवर मेकअप आर्टिस्ट नैना, हमारे ज्वेलर्स, हमारा डिजाइनर्स, मेनवेयर डिजाइनर्स, तो सब ने बहुत काम किया, इवन द फोटोग्राफर्स, सब ने इंटायर टीम ने बहुत काम किया। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग दिस। आप दोनों का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है इस फोटो? माइंड ब्लोइंग। मैं बोलता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, मैं कुछ अच्छा एक्सपीरियंस लेता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ माइंड ब्लोइंग। और तो मैं तो मतलब हमेशा रेडी होना चाहती हूँ, मतलब अच्छे ड्रेस पहन के एंड यू नो अच्छा मेकअप। हाँ, पर मैं आज जरूर बोलना चाहूँगा कि आज मोना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मेरे कहने के बाद ये तो हमेशा ही अच्छा लगता है। ओके, लास्टली शो आपका बहुत अच्छा जा रहा है, थैंक यू, फैंस काफ़ी प्यार दे रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपको पर्सनली क्या कुछ डीएम्स आ रहे हैं? मैं क्या? अच्छा लग रहा है, बहुत शो अच्छा चलना चाहिए, बस यही हम ऑडियंस से भी कहते हैं कि आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, देखते रहिए। और मैं जानती हूँ मुझे मतलब इतने सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, बस बिकॉज ऑफ देम वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, हर मतलब बिग बॉस से लेके भोजपुरी फिल्म से लेके मेरी नज़र शो में भी मुझे इतना सारा प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ओके, बिग बॉस की बात चल रही तो क्या आप ये सीज़न फॉलो कर रहे हैं आप दोनों? हाँ, शुरू में कर रही थी, हाँ शुरू में एकदम कर रही थी, बट अभी लास्ट कुछ दिन मैं फॉलो नहीं कर पाई, बट स्टिल मुझे अपडेट्स मिल ही जाता है। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, बट होप कि आगे करूँ, बट अभी प्लान नहीं कर रहा हूँ, अभी तो खत्म ही हो जाए होने जा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है टॉप 5 में कौन दिख सकता है? मैं बताऊँ टॉप 5 में? अभी तो क्लियर है ना, रुबीना, अभिनव, राहुल, अभिनव इज प्लेइंग वेरी गुड, अभिनव, इनको अभिनव बहुत पसंद है सीरियसली। और कौन है? निकी, निकी, हाँ अली 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 भाई, हाँ अली भाई, हाँ अली बोली, बिल्कुल। एक्चुअली में इतने सारे लोग अंदर बाहर हो रहे हैं ना, ये तो एक है, ये तो एक है, वो मेरे को कंफ्यूजन है कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो इट्स ओके, तो कभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं। राखी भी बहुत अच्छा कर रही है, बट पता नहीं वो विनर, मुझे नहीं मालूम क्योंकि एक बार ऑलरेडी आके गई है, तो शायद वो विनर ना हो, पर टॉप 5 में बोल रही है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।